नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्क्रीन फिक्सर में। आज दोस्तों मैं आज आपके लिए ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये मशीन है, पंचिंग मशीन 888। तो ये मशीन आई है, तो इसकी आज मैं आपको अनबॉक्सिंग और इसको कैसे आपको सेट करना है तो ये इस वीडियो में मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आपने लाइक ज़रूर कर देना है, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करने से आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती है हमारी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ की, तो बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें आप। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए इसमें आपको चार चीज़ें मिलती हैं। ये देखिए, ये है आपका वैक्यूम है, ये इसमें 3 लीटर का वैक्यूम आता है। उसके बाद एक बबल रिमूवर आता है। बबल रिमूवर के बाद देखिए इसमें कंप्रेशर है, और ये आपकी पंचिंग मशीन है। तो सबसे पहले हम पंचिंग मशीन आपको खोल के दिखा रहे हैं। तो पंचिंग मशीन देखिए, इस तरीके से पंचिंग मशीन आपकी आती है। तो ये देखिए ऐसे पैकिंग में आपकी मशीन आएगी। तो ये पूरी सेफ्टी से आती है, अच्छे से पैकिंग होके आती है आपकी मशीन। पूरी बॉक्स अच्छा बॉक्स, इसमें लकड़ी का बॉक्स आता है पूरा। इसमें कोई डैमेज, कोई होने का कोई दिक्कत नहीं रहती है, कोई डर नहीं रहता है। कितने अच्छे से इसकी पैकिंग होके आती है। ये देखिए, ये आपका वैक्यूम है। तो ये वैक्यूम भी आपका पूरा अच्छे से पैक होके आता है। वैक्यूम आपने ऐसे खोलना है। ये देखिए पूरे अच्छे से पैकिंग होके आती है आपकी। ये देखिए 3 लीटर का इसमें वैक्यूम आपको मिलता है। वैक्यूम है आपका, ये इसके साथ आपको ये वाली पाइप मिलेगी, और ये वाली पाइप आपकी यहाँ पे लगती है। ये देखिए ये वाली पाइप आपकी वैक्यूम की जो पाइप है वो आपकी इधर लगेगी, और ये जो वैक्यूम की जो ये वाली जो पाइप है वो आपकी इसमें लगती है। देखिए ये वाली जो पाइप है वो आपकी यहाँ लगेगी, और इससे जो आउट वाली पाइप है आपकी यहाँ लगेगी, और ये इसका जो वैक्यूम का जो प्लग है वो आपका इसमें लगेगा। ये देखिए ये आपका बबल रिमूवर आएगा। तो बबल रिमूवर की भी देख लीजिए कैसी पैकिंग है। पैकिंग आपको अच्छी मिलेगी। पैकिंग इस तरीके से करके देते हैं ताकि कभी कोई डैमेज ना हो ट्रांसपोर्ट में। तो ये आपका बबल रिमूवर है। बबल रिमूवर आप बाहर निकालते हैं। तो
देखिए ये वाला आपका बबल रिमूवर आएगा इसमें। अब बबल रिमूवर की जो वायर है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो वायर कहाँ लगनी है और पाइप कहाँ लगना है, जो कंप्रेसर का पाइप है वो कहाँ लगेगा। तो आप कंप्रेसर खोलते हैं पहले। ये देखिए ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर का खोल रहे हैं हम। ये कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर बाहर निकालते हैं। चलो निकालिए। मैं आपके ये इसके साथ आपको ये सामान मिलेगा, ये इसका साइलेंसर है और ये इसके दो व्हील है। ये आपके दो व्हील नीचे लगेंगे और ये आपको साइलेंसर मिलता है, साइलेंसर भी आपने ज़रूर लगा लेना है। साइलेंसर आपको यहाँ पे लगेगा, साइलेंसर आप नहीं लगाएंगे तो ये बहुत आवाज़ करेगा, तो आवाज़ ना आए इसके लिए ये साइलेंसर होता है। तो साइलेंसर ऐसे आपने लगा लेना है इसमें, ये देखिए ऐसे टाइट हो जाएगा ये इसमें, ये देखिए हो चुका है टाइट। अब ऐसे आपको टाइट कर लेना है और इसको पकड़ के आपको उठाना नहीं है, नहीं तो ये टूट जाता है। प्लग ले वो। ये देखिए आपको ये इसके साथ ये दो चीज़ें और मिलती हैं, तो ये आपने ऐसे लगा लेनी है, ये लगेगी आप। ये आपकी इसमें लगेगी, ऐसे इसको टाइट कर लेना है आपने। उसके बाद ये जो दो व्हील है, ये व्हील आपके ऐसे लगेंगे, ऐसे इसके नट आपने टाइट कर लेने हैं। दोनों व्हील आपने ऐसे ही लगाने हैं। और दोस्तों एक चीज़ और होती है इसमें, ये देखिए ये एक इसके अंदर वॉल होता है, नट होता है। ये आपने साल डेढ़ साल में इसको खोलकर इसका पानी निकालना होता है, इसके अंदर पानी भर जाता है जब आप इसको यूज़ करते हैं मॉइस्चर वाले दिनों में, क्योंकि दोस्तों ये हवा खींचता है ना, तो उससे क्या है कि इसके अंदर पानी भर जाता है। तो पानी आपको ये नट खोल कर पानी निकालना होता है। ये देखिए ऐसे ये नट खुल जाता है और इसके अंदर जो पानी भरा होता है वो आपने निकाल लेना होता है। तो ये आपने साल डेढ़ साल में ज़रूर कर लेना है, नहीं तो इसकी अंदर की जो टंकी है वो गल जाती है, उसमें जंग लग जाता है। तो देखिए ये इसकी पावर केबल आएगी, एक ये मशीन की पावर केबल है, उसके बाद ये आपका पाइप आएगा और ये आपकी वैक्यूम रिमूवर की पावर केबल आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये पाइप लगा के दिखा रहा हूँ, ये पाइप आपको कैसे कैसे लगाना। तो देखिए ये आपका जो ये वाला जो पाइप है, ये कंप्रेसर में लगेगा ये वाला पाइप, ये देखिए ये यहाँ लगेगा आपका, ये देखिए ऐसे इसका पाइप लगेगा। उसके बाद फिर ये दो पाइप और हैं, ये देखिए ये दो पाइप हैं, ये दो पाइप आपके, एक ये मशीन में लगेगा, पंचिंग मशीन में जाएगा और ये एक बबल रिमूवर में जाएगा। तो बबल रिमूवर में आपको मैं लगा के दिखा रहा हूँ कहाँ से लगेगा बबल रिमूवर में। ये दो, तो ये दो पाइप हैं
दो पाइप आपका, एक तो बबल रिमूवर में जाएगा, तो बबल रिमूवर में देखिए यहाँ पे लगेगा ये पाइप आपका, ये यहाँ लगेगा, देख लिया आपने, देखिए ये यहाँ लगेगा, और एक हमारा पाइप बचता है वो आपका ये जो पंचिंग मशीन है, पंचिंग मशीन में जाएगा। ये देखिए ये पंचिंग मशीन में यहाँ पे लगेगा, दिखाई दे रहा है आपको, तो ये देखिए यहाँ पे लगा दिया हमने। अब देखिए ये जो दो पावर केबल है, एक वाली पावर केबल हो गई और ये वाली पावर केबल आपकी इस मशीन में लगेगी, ये देखिए ये पावर केबल आपकी मशीन में लग गई, और एक जो बबल रिमूवर की पावर केबल है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वो आपने कहाँ लगानी है। देखिए ये वाली जो पावर केबल है आपकी, ये आपकी बबल रिमूवर में यहाँ पे लगेगी, ये देखिए ये हमारी दोनों पावर केबल लग चुकी हैं। अब हम इसे ऑन करते हैं, तो देखिए दोस्तों ये इसका वॉल जो है ये आपने खोल लेना है। तो ये देखिए जैसे हमने कंप्रेसर का आप पावर दे दिया हमने कंप्रेसर को, और ये देखिए ये वॉल भी हमने खोल लिया है। अब ये देखिए इसमें मीटर में आपको प्रेशर दिखाएगा, ये प्रेशर मीटर है, तो इसमें प्रेशर पूरा है, और ये देखिए वैक्यूम का जो हमने प्लग लगाया था वो आपको हमने दिखाया, वो ये यहाँ पे लगेगा, और वैक्यूम का पाइप ये है, और हमने दोनों का पावर केबल लगा दिया है। और अब हम इसे ऑन करते हैं, देखिए ये बबल रिमूवर का पावर बटन है, ये आपका पावर बटन हो गया। उसके बाद ये टेम्परेचर मीटर है, ये इसका टेम्परेचर आपने सेट कर लेना है, 40 पे आपको टेम्परेचर इसका सेट कर लेना है, 40 डिग्री पे इसका टेम्परेचर आपने सेट करना है। तो देखिए किस तरीके से सेट होगा, ये देखिए जैसे कि मैं सेट कर रहा हूँ, ये देखिए 40 हो गया, 40 पे आपको इसका ये सेट करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये टाइमर है, टाइमर आप मैक्सिमम मैक्सिमम 10 मिनट का इसमें सेट कर लें, बाकी 10 मिनट आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप कभी जैसे डिस्प्ले डाल के भूल जाएं तो इसके लिए आप इसमें 10 मिनट का टाइमर इसमें सेट कर लें, आप जब ऑन करेंगे तो 10 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमने सेट कर लिया, और ये आपका टेम्परेचर का बटन है, स्विच है ये टेम्परेचर का, अगर आपको टेम्परेचर चाहिए तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, अगर टेम्परेचर आपको ऑफ़ करना है तो इस बटन को आप ऑफ़ कर सकते हैं, और ये आपका बबल ऑन करने का बटन है। तो देखिए ये यहाँ से आपका ऑन होता है, ये आपका टेम्परेचर का बटन है, टेम्परेचर का स्विच है, अगर आपको टेम्परेचर चाहिए बबल में तो इसको ऑन करें, अगर नहीं चाहिए तो इसको ऑफ करें। तो ये देखिए यहाँ से आपका ऑफ होगा पावर से, और इससे ये एक्टिवेट होगा, ये आपका एक्टिवेट हो गया, यहाँ से आपका ये अब देखिए आपको मैं पंचिंग मशीन आपको ऑन करके दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए ये है इसका पावर स्विच, तो इसको आपको ऑन कर लेना है। तो ये देखिए हमारी मशीन ऑन हो चुकी है, देखिए इसके साथ आपको ये एक बेस मोल्ट मिलता है, और एक बेस मोल्ट और इसके साथ आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों इसके आपको कैसे यूज़ करना है, ये देखिए ये इसकी पावर है, ये आपको एक्टिवेट करना है, और इसके अंदर एक सेंसर लगा होता है,
ये सेंसर यहाँ पे लगा होता है, अगर इसका आप ढक्कन ये पूरा आप यहाँ तक आपने बंद किया तो ये ऑन नहीं होगा। देखिए ऑन नहीं हो रहा है, आपको ये पूरा इसका ढक्कन बंद करना पड़ेगा। ये देखिए ये वाला जो नक्का है इसका, ये यहाँ तक आएगा, उसके बाद ये ऑन होगा। अगर ये ऐसे भी रहेगा तब भी आपका ऑन नहीं होगा, ये पूरा ढक्कन आपका बंद होना चाहिए तभी ये ऑन होगा। देख लिया आपने, ये यहाँ से आपका ऑफ हो जाएगा। तो ये एक सेफ्टी फीचर है, तो इसके लिए ये सेंसर इसके अंदर दिया हुआ है, तो ये ऐसे खुलता है। देखिए ये आपको ऐसे पूरा बंद करना पड़ेगा। देखिए ये आपको दो बेस मोड मिलते हैं इसमें, एक आपको ये वाला बेस मोड मिलेगा और एक ये मिलेगा। तो आपका ये बेस मोड आपका, अगर आपने मोल्ड लगानी है, डाई के साथ काम करना है, तो आपको ये वाला बेस मोल्ड आपको लगा लेना है इसके अंदर। और आपको विदाउट डाई अगर काम करना है तो आपको ये वाला मोल्ड आपको यूज़ करना है। और अगर आपको डाई के साथ यूज़ करना है तो आपका ये वाला मोल्ड यूज़ होगा। विदाउट मोल्ड आप, विदाउट डाई अगर आपने यूज़ करना है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ मशीन को, आपने कैसे ऑन करनी है मशीन। तो ये देखिए, ये आपका जो है ये आपका OCA के लिए है। अगर आपने ग्लास पे OCA लगानी है एज मॉडल के लिए, तो इसको आपको इस पे करना पड़ेगा, तो इसका प्रेशर जो है आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको ये स्टार्ट करना है। तो ये देखिए स्टार्ट हो गई है, देखिए नॉर्मल आपको फ्लैट LCD अगर करनी है तो उसके लिए आपको ये वाला मोल्ड आपको यूज़ करना पड़ेगा। नॉर्मल फ्लैट LCD के लिए आप, नॉर्मल फ्लैट के लिए आप ये वाला ऐसे बेस मोल्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको प्रेशर को डाउन कर लेना है, प्रेशर डाउन हो जाएगा इसको। ये बटन आपका प्रेशर का है, फ्लैट के लिए आपको ये प्रेशर रखना पड़ेगा। और ये आपका स्विच है फ्लैट का स्टार्ट करने का। अब देखिए फ्लैट के लिए आपकी स्टार्ट हो चुकी है, और फ्लैट की आपको पंचिंग नज़र आएगी। आप कैसे फ्लैट की पंचिंग कर सकते हैं, फ्लैट डिस्प्ले की, तो फ्लैट डिस्प्ले की कैसे पंचिंग होगी अभी आप देखेंगे। ये देखिए फ्लैट का, इसमें फ्लैट का अलग चलता है और कर्व का अलग चलता है, टाइमिंग दोनों की अलग अलग है, दोनों का सेटिंग अलग अलग है। ये देखिए फ्लैट डिस्प्ले के लिए देखिए कितने आराम से प्रेशर प्लेट मिल जाती है। तो देखिए ये हो गया आपका फ्लैट का। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको इस मशीन की सेटिंग समझ में आ गई होगी, और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आपने लाइक तो ज़रूर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मैं लाता रहूँगा, आगे भी लाता ही रहूँगा मैं। और हमेशा से हमने कोशिश यही की है कि आपके लिए हमेशा नॉलेजेबल वीडियो हम ला के देते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।